खरगोन जिले के सेगावा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी के लिए सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर जनपद स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। शुक्रवार जनपद सभागार में तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, जनपद सीईओ महेश पाटीदार, पंचायत इंस्पेक्टर रमेश पाटीदार के द्वारा क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के लिए डोर टू डोर सर्वे कराने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कोरोना वायरस संक्रमण का सर्वेक्षण कर इसकी जानकारी उपलब्ध करानी है, जिससे जिला कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा, जिसमें कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड मरीज अगर होता है तो इसका तत्काल इलाज कराया जाएगा। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पंचायत में चार आंगनबाड़ी है, तीन में कर दी, एक में नहीं दी तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप यदि वहाँ नहीं पाया जाता है तो जिलो लिख के उसको पूर्ति करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, ये इसकी प्लानिंग रहेगी। और ये प्लानिंग से हमें काम करना है और हम चार दिनों में अपने क्षेत्र को पूरा कवर कर लेंगे और एक ऐसे सर आज काहे की बैठक थी? ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की सर्वेक्षण जानकारी के लिए आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANMS, पटवारी, ग्राम सचिव और रोजगार सहायक सभी के संयुक्त रूप से बैठक ली गई और इन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर सर्वे करके सर्वेक्षण की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को उपलब्ध करवाएंगे और वो कलेक्टर साहब द्वारा जारी गूगल शीट में उसकी एंट्री करेंगे और उस एंट्री के बाद यदि कोई सस्पेक्टेड मिलता है तो उसका तत्काल इलाज किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।